कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल एबीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी। वो कह रहे हैं एक इक्विलेटर ट्रायंगल है एबीसी, बीसी साइड पर कोई पॉइंट है डी, सच दैट बीटी इज इक्वल टू 1/3 बीसी। इस तरीके से है कि जो बीडी आपके पास जो आएगा वो बीसी का 1/3 होगा। प्रूव दैट 9AD² इज इक्वल टू 7AB². आपको ये प्रूव करना है बच्चे, 9AD² इज इक्वल टू 7AB². देखिए एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15। हम पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। ए बी सी, वो कह रहे हैं डी कोई पॉइंट है, ये हमारा डी, और ये इस तरीके से है कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। ठीक है बच्चे, तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटरल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी पर कोई पॉइंट है डी। ठीक है बच्चे, और क्या दूसरी बात हमारे पास क्या गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू, सच दैट आप इसके आगे लिख सकते हो, सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है बच्चे, टू प्रूव देखिए, टू प्रूव इसमें हमें करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB². ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बच्चे, ए से ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर है किस पे बच्चे, बी सी पर, हमने बी सी पर डाला है। अब हम इसको ज्वाइन कर दिया हमने ए ई, हमने इसको नाम दिया बच्चे, हम नेमिंग कर देते हैं साथ साथ ए ई। ठीक है बच्चे, अब देखिए प्रूफ, देखिए ये बात आपको पता होगी बच्चे कि इक्विलेटर ट्रायंगल में जब भी हम एक वर्टेक्स से अगर आप दूसरी साइड पर जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो बी इज इक्वल टू ई सी हो जाए। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चे, देखिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ई बी, एक हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, दूसरी हम लेते हैं बच्चे ट्रायंगल ए ई सी, एक ये वाली ट्रायंगल, दोनों राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है क्योंकि इन्होंने इक्विलेटर ट्रायंगल बोला है, तो आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा गिवन। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है कि एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल, एंगल ए ई सी, ये वाला एंगल, दोनों ट्रायंगल्स का ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी ईच 90। ठीक है बच्चे, ये भी हो गया हमारा। तीसरी क्या चीज़ हो गई कि ए ई जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ए ई इज इक्वल टू ए, ये क्या है हमारे पास कॉमन। देखिए अब ये वाली साइड हमने पहले की, फिर उसके बाद हमने एंगल किया, और फिर अब ये वाली साइड की, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बाय एस ए एस सिमिलरिटी कौन कौन सी ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर है ट्रायंगल
ए ई सी के, ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई तो हम कह सकते हैं कि बी ई जो है वो ई सी के इक्वल है, ये चीज़ हमारी ई सी के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दी, ठीक है बच्चे। दूसरा हम इसमें क्या बता सकते हैं कि बी ई देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बी सी का हाफ़ है ना, क्योंकि ये भी आधी है ये भी आधी है, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, ठीक है बच्चे। और दूसरा हम क्या और हमें क्या पता है कि बी डी जो है वन थर्ड बी सी है, तो बी डी इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ बी सी, ये तो हमारे पास खैर गिवन ही है, तो इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए हम इसमें ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई राइट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, हम ए ई की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चे, तो ए बी स्क्वायर बी ई को इधर ले आते हैं तो माइनस में बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर हो गया हमारे पास, यहाँ से हमने ए ई की वैल्यू निकाल ली है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं सेकेंड। दूसरी ट्रायंगल हम कौन सी लेते हैं, ए डी ई, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चे, तो क्योंकि इसमें जब हमने ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये हमारा हाइपोटेन्यूज़ हो जाएगा, तो ये जब हमारा हाइपोटेन्यूज़ है बच्चे, तो इसमें भी हम यहाँ पे बता दीजिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई सॉरी ए डी ई, ए बी तो हमने ऊपर ली थी ना बच्चे, ए डी ई, इसमें भी हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं हम इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ए डी स्क्वायर, बच्चे मैं फिगर ना यहाँ पर नीचे बना लेती हूँ एक बार और, ताकि अब आप लोगों को क्लियर यहाँ से दिखाई दे जाए, ए बी सी ये पॉइंट हमारा डी है और ये पॉइंट हमारे पास ई है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना गया, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसमें हम ले रहे हैं ए डी ई, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ए डी स्क्वायर एज इट इज़, ए ई को हम क्या करते हैं, ए ई की बजाय हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ई, ए बी माइनस में बी ए बी स्क्वायर माइनस में बी ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डी ई का हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए बच्चे डी ई हमारे पास इतना पोर्शन है, तो हम बी ई में से अगर हम ये वाला पोर्शन बी डी अगर माइनस कर दें तो हमारे पास डी ई बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बी ई माइनस में बी डी होल स्क्वायर, क्योंकि डी ई का स्क्वायर था तो हमने डी ई को लिखा है बी ई माइनस बी डी, तो उसका स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए आगे ए बी स्क्वायर माइनस, अब बी ई को हम क्या लिख सकते हैं, हमें हमने ऊपर बता दिया था बच्चे, ये देखिए कि बी ई जो है वो ई सी के इक्वल है और वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी सी, तो बी ई की बजाय हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाफ बी सी का स्क्वायर प्लस में इस बी की बजाय भी लिख सकते हैं हम हाफ बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है बी डी की, तो बी डी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वन थर्ड बी सी, वो तो हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, तो बी डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस में वन थर्ड बी सी, ये स्क्वायर यहाँ नहीं है बच्चे, यहाँ पर होल स्क्वायर लगाना है, तो ए बी स्क्वायर
माइनस में, इसको हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन में 4, मैंने इसका बाहर स्क्वायर जो है वो खोल दिया है, प्लस में इसका मैं अभी नहीं खोलती हूँ यहाँ पे, हम पहले क्योंकि इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम खोलेंगे। तो यहाँ से 6 आ गया एलसीएम, 2 3 6 और 3 को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्राइस ऑफ बी सी माइनस में 3 2 6, 2 को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ बी सी होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में, थ्राइस ऑफ बी सी में से ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस होंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, बी सी अपॉन में 6 इसका होल स्क्वायर। अब हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं बच्चे, ए बी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में, यहाँ से आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन में 36। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल सॉरी माइनस एलसीएम लेते हैं, 36 आ गया, 4 9 36, 9 को बी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बी सी स्क्वायर प्लस में 36 1 36, 1 को ऊपर करेंगे तो ये आ गया बी सी स्क्वायर। अब देखिए बी सी के स्क्वायर के साथ यहाँ पे 9 बी सी स्क्वायर के साथ माइनस दिख रहा है आपको, यानी ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस होगा बच्चे, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर माइनस कर देते हैं 8 बी सी स्क्वायर अपॉन में 36। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसमें हम यहाँ पर ए डी स्क्वायर हमारे पास चल रहा है बच्चे, ए डी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमें बताया कि क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है, जब इक्विलेटर ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल है, ये आप यहाँ पे ऊपर गिवन में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तीनों साइड्स इक्वल बता दीजिए। तो अब जब हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम यहाँ पर बी सी की बजाय ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ए बी की ज़रूरत है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर माइनस में 8 ए बी स्क्वायर अपॉन में 36, इसके नीचे 1 ले लेते हैं बच्चे, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हमारा ए डी स्क्वायर चल रहा है, ये 36 आ गया तो ये 36 पे गया, 36 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 36 ए बी स्क्वायर माइनस में 1 पे गया, 1 को 8 से करेंगे तो 8 ए बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा 28 अपॉन में 36 ए बी स्क्वायर, कैंसिल आउट करते हैं 4 7 28, 4 9 36, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं बच्चे फिर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन में 9 ए बी स्क्वायर। अब ये 9 यहाँ पर डिवाइड में, इसको इधर ले आते हैं तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास बच गया 7 ए बी स्क्वायर। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी बच्चे, देखिए प्रूव में क्या था हमारे पास, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, और देखिए यही हमारा आ गया है, तो ये हमारा आंसर है बच्चे, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।